कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। तो वहीं चरखी दादरी पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए शहर के सभी चौक चौराहों पर आमजन को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, ताकि हम इस वायरस को हरा सकें। इस दौरान मास्क भी वितरित किए गए और मास्क ना पहनने वालों के चालान भी काटे गए। एसआई नागेश ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों पर आमजन को जागरूक किया जा रहा है और मास्क ना पहनने वालों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं और चालान भी काटे जा रहे हैं। मेरे तमाम चरखी दादरी जिले के बहन भाइयों से प्रार्थना है, ये जो ओमिक्रॉन वायरस अफ्रीका से आया है, ये पहले वाले कोरोना के वायरस से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए डिस्टेंस का और मास्क का प्रयोग करें और इस महामारी को रोकने में अपना योगदान दें। प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी लोगों को जागरूक कर रही है ताकि सब मास्क का प्रयोग करें और इस महामारी को दादरी के अंदर न आए, इसके विषय में पहले से ही हमें सावधानी बरतनी चाहिए और इसके ऊपर अमल करना चाहिए। हम पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से आदेश अनुसार पब्लिक को मास्क के बारे में समझा रहे हैं, लोगों को मास्क भी दे रहे हैं और मास्क के चलान भी कर रहे हैं। हम जो कोरोना की नई बीमारी आने वाली है, आ रही है, उसको नहीं आने देंगे। कोशिश करके हर एक पब्लिक को समझाएंगे और उनको मास्क द्वारा उनको बीमारी को नहीं आने देंगे।